ये मैंने अभी साग काटा है। साग है सरसों का, छोटा छोटा सा था, बहुत ही नरम सा साग। नाश्ता हमने कर लिया है, तो नाश्ता करने के बाद, आज छुट्टी थी तो सारे में कहता मम्मा मोटरसाइकिल मेरी बहुत ही गंदी हो गई है, ये देखे बारिशों की वजह से कैसे इस पे मिट्टी पड़ी हुई है। ये देखें जी, अब ना चमक गया है, साफ सुथरा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज की रूटीन। रूटीन शुरू करने से पहले मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल दादा फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो प्यारे व्यूअर्स, सुबह सुबह का टाइम है, चलते हैं चूल्हे के पास और नाश्ते की तैयारी करते हैं, तो साथ रहिएगा। प्यारे व्यूअर्स, वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाश्ता हमारा तैयार हो गया है, पराठे भी बना लिए हैं और चाय भी बना ली है, और रात को हमने बनाए थे मसर, तो मैं खाने लगी हूँ पराठा मसरों के साथ। सारिम ने अपना नाश्ता कर लिया जल्दी जल्दी, मैं अभी बना रही थी, तो सारिम ने किया है अंडे के साथ पराठा, खाया है नाश्ता अंडे के साथ है, और मेरा मसरों के साथ। नाश्ता हमने कर लिया है, तो नाश्ता करने के बाद, आज छुट्टी थी तो सारे में कहता मम्मा मोटरसाइकिल मेरी बहुत ही गंदी हो गई है, ये देखे बारिशों की वजह से कैसे इस पे मिट्टी पड़ी हुई है। तो कहता मैंने आज धोनी है तो मेरे साथ हेल्प करवाएं। मैंने कहा चलो धोना शुरू करते हैं, और साथ साथ मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं और सारे मिल के आज ये धोएंगे। ये देखें ये हाल है, तो अब धो के ना फिर दिखाते हैं कि हमने मोटरसाइकिल कैसे साफ़ की। चलाओ पानी। ध्यान से चलाया करो ना मोटरसाइकिल, कैसे मिट्टी डाली हुई है। इसे धोएंगे अच्छी तरह से, तो फिर साथ साथ दिखाएंगे, दोनों मिलके धोते हैं। वैसे मैंने कभी सारी के साथ अभी तक बैठी तो नहीं हूँ मोटरसाइकिल पे, सवारी तो नहीं की, लेकिन चलानी पड़ती है साथ इसकी, क्योंकि छोटा है अभी से ना, ये तो ही नहीं जाती। सरफ लेके आओ जल्दी जल्दी से, तो इसको लगाते हैं और चमकाते हैं अच्छी तरह से। जल्दी से करो मिक्स, मैं चिमटे से मिट्टी साफ कर लेती हूँ, ठीक है ना। और ये देखिए जी, मोटरसाइकिल धो ली है माँ बेटे ने मिलके, तो अभी इसे ना खुश्क करेगा, और अभी वो लीसर लेने गया है कि इसे खुश्क करने के बाद लगाना है, तो खुद चला गया है, मैं इधर ही बैठी हूँ। ये देखिए इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है ना इसे, ये सारी मिट्टी है। मोटरसाइकिल धोने के बाद सफाइयाँ की हैं, ये इधर से फर्श सारा धोया, और अभी बर्तन धोने वाले थे, ये बर्तन धोए हैं, तो बर्तन उठा के रखे हैं उधर। सुबह सुबह ये सारे काम होते हैं नाश्ते के बाद करने वाले। ये बर्तन धो के इधर रख दिए हैं सारे,
ये मैंने अभी साग काटा है, साग है सरसों का, छोटा छोटा सा था, बहुत ही नरम सा साग। सारम के पापा बाहर गए थे तो वहाँ से तोड़ के लाए खेत से। इस मौसम में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ना ये जो गंदम की कटाई के बाद मिल जाता है कहीं ना कहीं से, तो ये ना लेके आए हैं आज। तो इधर पालक पड़ी हुई है, ये अभी मैंने बनानी है। तो साग काट लिया है, आज बनाना है साग मजे का। गर्मियों में भी साग का मज़ा बहुत होता है खाने का। ये मैं टोकरी में इधर डालती हूँ और फिर मैं पालक साफ करके पालक बनाऊँगी। और बाहर से बच्चों के शोर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि आज मैं सहन में बैठी हुई हूँ। और ये देखें इतना साग है, थोड़ा सा इतनी सी पालक इसमें डाल के ना एक दफ़ा सबसे रोटी खाई जाएगी। थोड़ा सा ही है लेकिन मज़े का बनेगा। मिठू की बातें सुने। और ये देखिए मैंने ना पालक जो है वो भी काट ली है, और धनिया है देखिए कितना प्यारा, ये भी मैं काट के इसमें साग में डालूंगी। और ये सब मिर्चे हैं, सब मिर्चे भी बाद में साफ करूंगी। तो अभी ये ना धनिया जो है वो साफ करूंगी। मिठू बच्चे मिठू बच्चे मिठू। दोपहर का टाइम है और रोटी खा रहे हैं मसरों के साथ। और ये देखिए मैंने अपने लिए रोटी बनाई है, बुर्कियाँ तोड़ के ना छोटी छोटी, तो मसरों में ना अच्छी तरह मिक्स कर ले तो बड़ी मज़े की रोटी बनती है। और मेरे दांत भी दर्द कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने नरम कर लिया रोटी, तो मैं ऐसे खाऊंगी। मोटरसाइकिल धोने के बाद सारिम गया बालों की कटिंग करवाने, तो बालों की कटिंग हो गई, अब नहा के आया है। तो मैं इसे कंघी कर रही हूँ। मिठू, तो दोनों माँ बेटे ने मिलके ना मोटरसाइकिल चमका दी है ना सारिम, पैसे बचा लिए है ना। हाँ जी, अब तो गंदी भी फिर हो गई, मैं गया था मोटरसाइकिल लेकर, फिर ऊपर वो जो है ना वो मिट्टी होती है ना बाहर। चलो जी, सारिम हो गया है तैयार। पहले कपड़े गीले हो गए थे मोटरसाइकिल धोने के बाद, तो फिर इसने कहा कि पहले बालों की कटिंग करवाता हूँ। तो आज हो गई बालों की कटिंग भी, नहीं भी हो गई है ना। तो आज ना दोनों माँ बेटे ने मिल के इतना मुश्किल काम किया है मोटरसाइकिल धोने का, ऐसे ही है ना। मिठू भी बोल रहा है। मिठू आप भी करो बातें। मिठू बच्चे बोलो। ये देखिए जी अपना चमक गया है, साफ सुथरा हो गया है। दोपहर का टाइम है और चाय पीने का दिल कर रहा था, तो चाय बनाई है, तो गर्मा गर्म चाय पियेंगे। और सारिम खा रहा है, ले सारे मुझे भी दो।
ये मैंने खा ली है, हर साल मेरी तरफ देख रहा है कि मेरी मम्मा ने खा ली है। प्लेट पकड़ो। एक ही ली थी मैंने। अच्छा मैंने नहीं कुछ कहा। चलो खा लो, मैं भी चाय पी रही हूँ। ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दुआ में याद रखना। मैं भी आप सब बहन भाइयों को दुआ में याद रखती हूँ। शाद रहें, बाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ वीडियो का करते हैं एंड। अगली नई प्यार सी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।